हेलो नमस्कार साथियों, आप लोग का फाइनल एग्जाम में स्वागत है। और यहाँ पर यूपी कैडेट प्रवेश परीक्षा 2024 के लिए जीएस की टेस्ट सीरीज का सामान्य ज्ञान टेस्ट 4 हम लोग देखने वाले हैं। आपकी स्क्रीन पर एक क्वेश्चन दिख रहा है, इसको आप लोग हमें जो है आफ्टर वीडियो कंप्लीट और एक कमेंट करके बताइएगा कि इसका सही उत्तर क्या होगा। शुरू करते हैं अपने वीडियो को और वन बाय वन सभी क्वेश्चन को देखा जाएगा। पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है और यहाँ पर आप जो है फटाफट इसका जवाब करेंगे कि इसका सही उत्तर क्या होगा। भारतीय मुक्केबाज मैरी कॉम किस उत्तर पूर्वी राज्य से हैं? इंडियन बॉक्सर मैरी कॉम इज फ्रॉम विच नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट? तो यहाँ पे बात की जा रही है मैरी कॉम को, जिनको आपका कह सकते हैं कि मैरी कॉम के मॉम भी इनको जाना जाता है, क्योंकि ये जो तीन बच्चों की माँ थी उसके बाद जो इन्होंने वेट लिफ्टिंग में भाग लिया था, तो वेट लिफ्टिंग से रिलेट करती हैं, वो भी आपको याद रखना है। ऐसा है क्या? नहीं भैया, ये बॉक्सर है। सबको लगता है कि यहाँ से वेट लिफ्टिंग आता, नहीं, मैरी कॉम बॉक्सर है। सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट ये ध्यान रखना है। और ये है क्या, ये मणिपुर से रिलेट करती है, ठीक है, तो ध्यान रखना है। क्योंकि मैरी कॉम में ज्यादा जो कंफ्यूजन होता है वो लगता है कि वेट लिफ्टिंग से, जबकि वेट लिफ्टिंग में कौन आता है? मीरा बाई चानू आती है। ठीक है, अगला प्रश्न स्क्रीन पर और उत्तर करेंगे इसका सही। कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं ना जो लगता है कि ये सही होगा, लेकिन वो होता नहीं है, उसकी जगह पे कुछ और होता है। प्रश्न है, बर्फ पानी पर तैरती है क्योंकि इसका घनत्व, आइस फ्लोट्स ऑन वाटर बिकॉज इट्स डेंसिटी। तो भैया पानी के ऊपर बर्फ तैरती रहती है ना, अच्छी बात है, लेकिन वजह क्या होती है कि पानी से जो है इसका जो कह सकते हैं डेंसिटी जो होती है वो कम होती है। ठीक है, पानी से इसका घनत्व तो कैसा होता है? कम होता है, इस वजह से यह तैरती है। कभी अगर आपसे पूछे कि कोई बर्फ है वो पानी में डूबा हुआ है, तो उसका कितना पोर्शन नीचे रहेगा? तो एक बटा एक भाग उसका ऊपर रहता है, बाकी 9 भाग जो है उसका नीचे रहता है। इस चीज आपको ध्यान रखना है। ठीक है, कोई भी आइसबर्ग वगैरह रहते तो उसके 9 गुना जो पार्ट नीचे रहते हैं, एक ही जो है पार्ट, मतलब उसका 9 पार्ट नीचे, एक ही पार्ट केवल ऊपर दिखाई देता है, कह सकते हैं 90% नीचे रहता है। इसमें से नाइट्रोजन गैस का प्रमुख यौगिक है। ऑफ दिस द मेन कंपाउंड ऑफ नाइट्रोजन गैस इज, तो यहाँ पे नाइट्रोजन का जो मेन कंपाउंड है कह सकते हैं यौगिक के तौर पर, वो आपका जाना जाएगा क्या? प्रोटीन को जाना जाएगा, यानी बी ऑप्शन को ही यहाँ पे माना जाएगा और उसी को जाना जाएगा। राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो नाइट्रोजन का यहाँ पे सिंबल क्या हो जाएगा? एन होता है, ये भी ध्यान रखना। इसका एटॉमिक नंबर आपका 7 होता है, और आप इसका फटाफट मुझे बता देंगे कि इसका जो है एटॉमिक कह सकते हैं वेट जो होता है या भार होता है, एटॉमिक नंबर तो 7 है। इसका जो है मास कितना होता है वो आपको बताना है, द्रव्यमान जो कहते हैं। अगला प्रश्न और यहाँ पे जवाब करेंगे फटाफट। जी 14 होता है, सभी को पता है कि 14। निम्न में से सबसे अधिक प्रत्यास्थ है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज मोस्ट इलास्टिक? तो यहाँ पे जो मोस्ट इलास्टिक है वो आपका स्टील होता है। ठीक है, ये आपका बट इले जब यहाँ पे हमारा स्टील की बात करते हैं, ये क्या होता है? आर्टिफिशियल है, यानी ये कृत्रिम है, एक कृत्रिम है, इसको ह्यूमन ने जो है क्रिएट किया, ह्यूमन ने बनाया। बट अगर आपसे कभी पूछ लेगी प्राकृतिक वाला यानी नेचुरल में आपका पूछ लेगा, तब आपका जवाब क्या होगा? रबर हो जाएगा, क्योंकि ये नेचुरल है, ये प्राकृतिक का है, भी आपका ध्यान रखना है। पल्स पोलियो का कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य है, द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ पल्स पोलियो प्रोग्राम इज, तो पल्स पोलियो का जो मेन ऑब्जेक्टिव था उसका क्या रखा गया था, क्या कहा गया था भैया ये जो है वजह है, इस वजह से जो है हमें पल्स पोलियो पिलाना है। तो जो 2 बूंद जिंदगी का था उसका था कि पोलियो का पूर्ण उन्मूलन, यानी अब किसी के जो है हाथ पैर या किसी भी बॉडी पार्ट में जो है पोलियो नहीं लगेगा। तो क्या था? सी ऑप्शन, पोलियो का पूर्ण उन्मूलन, कंप्लीट इरिडिक्शन ऑफ पोलियो। इसको 1995 में शुरू किया गया था, 1995 की बात की जा रही है, ठीक है, ध्यान रखना है। और इसे जो है 2014 में पूर्णता जो है कंप्लीटली जो है WHO के द्वारा अनाउंस किया गया कि जो है इंडिया में समाप्त हो गया, WHO के द्वारा, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा इस चीज को बताया गया।
भारत में शिशु मृत्यु दर का सामान्य कारण है। व्हाट इज द कॉमन कॉज ऑफ इन्फेंट मोरलिटी इन इंडिया। तो भाई भारत में जो शिशु मृत्यु दर का सामान्य कारण है उसकी बात की जा रही है, तो कौन सा है उसकी, अगर यहाँ पे राइट आंसर की हम लोग जब बात करेंगे तो होता क्या है, जन्म के समय कम वजन, लो बर्थ वेट, मतलब जब यहाँ पे जन्म के समय कम वेट होता है तो उससे क्या होता है कि उनके बॉडी पार्ट में कई सारे ऐसे पार्ट होते हैं जो बहुत मतलब एकदम नाजुक होते हैं, इस वजह से जो है डेथ होने के चांसेस ज्यादा रहते हैं। ठीक है, इंडिया में सबसे बड़ी वजह ये बताई गई है। अगले प्रश्न का आप लोग उत्तर करेंगे कि अगले प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा। बंगाल के किस गवर्नर ने सरकार की दोहरी शासन प्रणाली की शुरुआत की थी। विच गवर्नर ऑफ बंगाल स्टार्टेड द ड्यूअल सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट। तो ड्यूअल सिस्टम की बात कर रहा है भैया, इसको शुरू कब किया गया, 1765 में, और खत्म कर दिया गया। तो यहाँ पे खत्म भी कर दिया जाएगा, देखो रॉबर्ट क्लाइव ने इसको शुरू कर दिया कब, 1765 में, और वारेन हेस्टिंग आते हैं 1772 में इसको समाप्त कर देते हैं, निपटा देते हैं, यानी लगभग 7 साल ही चलता है। उसके बाद 7 साल के बाद यहाँ पे ड्यूअल सिस्टम को बंद कर दिया जाता है। ठीक है, तो ध्यान रखना इस पॉइंट का भी। यहाँ पे जो रॉबर्ट क्लाइव है बंगाल के पहले गवर्नर थे, और जो वारेन हेस्टिंग थे ये पहले जो है गवर्नर जनरल थे, बंगाल के ही जो है पहले गवर्नर जनरल बनाया गया था। क्योंकि जब तीनों प्रेसिडेंसियों, मुंबई और जो हमारा जो मद्रास था और कलकत्ता जो था, इन तीनों प्रेसिडेंसियों को जब एक कर दिया जाता है तो उसको यहाँ पे बंगाल का गवर्नर जनरल कर दिया जाता है, तब कौन हो जाता है, वारेन हेस्टिंग हो जाता है। ठीक है, ध्यान रखिएगा। और यहाँ पे जो हमारा लॉर्ड कार्नवालिस है, इनको जो है भारत में जो है क्या कह सकते हैं, सिविल सेवा का जनक भी कहा जाता है। पॉइंट ए भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है। अगला पॉइंट, और यहाँ पे जवाब करेंगे सही उत्तर क्या होगा। प्रश्न है, लॉर्ड डलहौजी किस काल में भारत के गवर्नर जनरल बने थे। इन विच पीरियड वाज लॉर्ड डलहौजी द गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया। यानी लॉर्ड डलहौजी जो थे वो कौन से ईयर के दौरान या कौन से समय में जो है वो यहाँ पे गवर्नर बने थे उसकी बात की जा रही है। तो जो है 1848 से 1854 में जो है गवर्नर रहे हैं, ये भी आपका ध्यान रखना है। और इनके द्वारा ही जो है राज्य हड़प की नीति भी लाई गई थी, कि यानी अगर किसी राजा के पास जो है संतान नहीं है तो जब तक जिंदा रहेगा तब तक अपना साम्राज्य संभालेगा, तब तक वो राजा रहेगा। ये नहीं कि किसी को जो है उसने अपना लिया या किसी को गोद ले लिया उसको अपना ट्रांसफर कर देगा, ऐसा कोई सिस्टम नहीं था, ये सब सिस्टम हटा दिया गया था। ठीक है, तो ध्यान रखना है। और ये डलहौजी यही है सबसे खतरनाक पर्सन, यानी भारत जो विलय होता है इसी की देन है कि भारत का जो विलय हो जाता है, खत्म हो जाता है, जो था सोने की चिड़िया। अ बंच ऑफ ओल्ड लेटर किसकी पुस्तक है, हुज बुक इज अ बंच ऑफ ओल्ड लेटर्स। ऐसे मैं ओल्ड बुक्स जो है उनको भी लाता रहूंगा बीच बीच में। बाकी जो है आप एक आइडिया लगा लिया करिए कि मैं जो है जब इन क्वेश्चंस को रखता हूँ तो उससे एक आइडिया लगाया करिए कि अच्छा यहाँ से भी क्वेश्चन आते हैं और इस प्रकार के क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, तो थोड़ा सा ध्यान रखा करिए छोटे छोटे पॉइंट्स को भी। तो अब बंच ऑफ ओल्ड लेटर्स जो है किसकी पुस्तक है, तो अपने जो पहले प्राइम मिनिस्टर थे यानी जेएल नेहरू थे उनकी बात की जा रही है, जिनको चाचा नेहरू के तौर पर जाना जाता है। महात्मा गांधी की अध्यक्षता में एकमात्र कांग्रेस अधिवेशन कब हुआ था। व्हेन वाज द ओनली कांग्रेस सेशन हेल्ड अंडर द चेयरमैनशिप ऑफ द महात्मा गांधी। तो महात्मा गांधी की चेयरमैनशिप में अध्यक्षता में एकमात्र जो है अधिवेशन हुआ था 1924 में, वो कहाँ पे हुआ था, तो बेलगांव में हुआ था। ठीक है, बेलगांव में हुआ था, मध्य प्रदेश में हुआ था, इस चीज का भी आपको ध्यान रखना, केवल एक ही मात्र हुआ था और उसके बाद किसी की भी अध्यक्षता महात्मा गांधी के द्वारा नहीं की गई थी। भारत के संविधान में भाग चार समाहित है। इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया पार्ट फोर डील्स विद, यानी रिलेटेड विद। तो भैया किससे जुड़ा हुआ, अगर सही आंसर की हम लोग बात करेंगे, देखो जो हमारा यहाँ पे नागरिकता है वो आपका दूसरे वाले में आ जाता है। ठीक है, मौलिक जो हमारे अधिकार है तीसरे वाले में आ जाता है।
और चौथा वाला जो है राज्य के नीति निदेशक सिद्धांत है, फोर्थ हो गया, यानी सी ऑप्शन। मौलिक कर्तव्य हमारे फोर्थ ए में आ जाएंगे, ठीक है, चार का ए में आते हैं। तो सारे पॉइंट आपके इंपॉर्टेंट है और याद रखिएगा। हमारा जो ये मौलिक कर्तव्य है ये आपका कहाँ से रहेगा, 5 से 12, यहाँ पे नागरिकता की मैं बात कर रहा हूँ तो 5 से 12 रहेगा। मौलिक अधिकार हमारा जो है अब यहाँ पे 5 से 11 ही रहेगा, क्योंकि 12 से ये जो है 35 तक इधर रहेगा, ठीक है, 12 से 35 तक हमारा क्या रहेगा, मौलिक अधिकार रहेगा। उसके बाद हमारे जो राज्य के नीति निदेशक तत्व है 36 से 51 तक रहेगा। फिर ये जो हमारा 4A है मौलिक कर्तव्य, वो क्या रहेगा, 51A में रहेगा, यानी 51 का ए जो है उसमें हमारे किसके बारे में दे रखा है, फंडामेंटल ड्यूटीज के बारे में दे रखा है। किस संविधान संशोधन को मिनी संविधान कहा जाता है, विच कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट्स इज ए कॉल्ड मिनी कॉन्स्टिट्यूशन। तो यहाँ पे लघु संविधान के तौर पर या मिनी संविधान के तौर पर किस संविधान संशोधन को जाना जाता है, तो अगर राइट आंसर की हम लोग बात करेंगे तो किसको कहा जाता है, 42वें संविधान संशोधन 1976 की बात की जा रही है, ठीक है। तो ध्यान रखेंगे 42वां संविधान संशोधन काफी महत्वपूर्ण है, क्योंकि इसी के समय जो है प्रस्तावना में भी छेड़छाड़ की गई थी, यानी चेंजमेंट भी किया गया था। ये पॉइंट आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट है, ठीक। बाकी सभी जो है इसमें हमने 4 दिए तो उनको भी आप थोड़ा से देख लीजिएगा नॉर्मल, बाकी इंपॉर्टेंट जो है आपका 42वां वाला ज्यादा है। मिट्टी को ढीला और मोड़ने की प्रक्रिया को कह सकते हैं, जुताई भी हम इसको कह सकते हैं, प्रक्रिया को क्या कहा जाता है, ठीक है। द प्रोसेस ऑफ दी लोजिंग एंड टर्निंग सॉइल इज कॉल्ड, भैया हम जुताई इसको कहते हैं, प्लॉविंग कहते हैं। तो ये आपके एग्रीकल्चर से रिलेट करता क्वेश्चन, जीके से जुड़ा हुआ, तो इस टाइप के क्वेश्चन भी आपके आ जाते हैं एग्जाम में। चलिए अगले प्रश्न की तरफ, और अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर, और इसका आप लोग फटाफट जवाब करेंगे, इसका सही आंसर क्या होगा। ब्रह्म समाज की स्थापना राजा राम मोहन राय के द्वारा कब हुई, व्हेन वाज ब्रह्मो समाज एस्टेब्लिश्ड बाय राजा राम मोहन राय। देखो ब्रह्म समाज की स्थापना 1828 में की जाती है, इस चीज का ध्यान रखना है। राजा राम मोहन राय एक इनके द्वारा इंपॉर्टेंट और काम भी किया गया था 1828 में, जो ये तो थे ही, लेकिन ये अंग्रेजों के साथ मिल करके जो है क्या करते हैं भैया, ये जो है यहाँ पे जो हमारे यहाँ बाल विवाह, विधवा विवाह, इन सब चीजों पे जो है काफी जो है थोड़ा सा फोकस रखते हैं, और महिला जो शिक्षा है उस पर भी फोकस्ड होते हैं, कौन, राजा राम मोहन राय। महिला शिक्षा जो होती है उस पर भी थोड़ा सा फोकस्ड हो जाते हैं, लेकिन सबसे ज्यादा जो इनके द्वारा इंपॉर्टेंट काम किया था वो सती प्रथा का उन्मूलन, सती प्रथा का उन्मूलन, ठीक है। मतलब इनके द्वारा ही जो है सती प्रथा को समाप्त करवाया जाता है, कि भैया यार गलत है कि महिला को जो है जलाया जाता है, ये सिस्टम यहाँ पे इनके द्वारा ही समाप्त करवा दिया गया था। सर्वप्रथम समानांतर सरकार की शुरुआत कहाँ हुई थी, वेयर वाज द पैरेलल गवर्नमेंट फर्स्ट स्टार्टेड। तो भाई यहाँ पे जो है समानांतर सरकार की बात की जा रही है, कहाँ पे शुरू हुई थी उसकी बात की जा रही है। तो इसको शुरू किया गया था बलिया में किया गया था, और एक कब किया गया था, जब हमारे देश में जो है 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन चल रहा था, चित्तू पांडे के द्वारा शुरू किया गया था। ये पॉइंट भी आपको ध्यान रखना है, चित्तू पांडे के द्वारा, ठीक है। इसको शुरू किया गया था कहाँ पे किया गया था, बलिया में, और इसी 1942 में हमारे देश में क्या चल रहा था, भारत छोड़ो आंदोलन, भारत छोड़ो आंदोलन, जिसमें जो है महात्मा गांधी ने कौन सा नारा दिया था, करो या मरो का, करो या मरो। महात्मा गांधी ने भैया कहा कि कुछ अगर करना है तो कर लो, नहीं तो मरना तो पक्का है, यानी मरोगे तो मरोगे। फिनिक्स फॉर्म किससे संबंधित है, फोनिक्स फॉर्म इज रिलेटेड टू, तो यहाँ पे फोनिक्स फॉर्म की बात की जा रही है, किससे रिलेट है, तो ये महात्मा गांधी से है, ठीक है। दक्षिण अफ्रीका में महात्मा गांधी जहाँ पे रहते थे उसकी बात की जा रही है। और फोनिक्स फॉर्म के अलावा जो इन्होंने टॉलस्टॉय फॉर्म भी, इसकी भी स्थापना की थी जोन्सबर्ग में, टॉलस्टॉय फॉर्म, टॉलस्टॉय फॉर्म, और साबरमती तो सभी को पता है, साबरमती आश्रम, साबरमती आश्रम।
रविन्द्रनाथ टैगोर से शांति निकेतन है जुड़ा हुआ, तो ये पॉइंट भी याद रखना है, शांति निकेतन रविन्द्रनाथ टैगोर कोलकाता। अगला प्रश्न, और यहाँ पे जवाब करेंगे इसका सही उत्तर क्या होगा। इंडिया डिवाइडेड पुस्तक के लेखक है, हु इज द ऑथर ऑफ द बुक इंडिया डिवाइडेड। लाला लाजपत राय, मोहम्मद अली जिन्ना, राजेंद्र प्रसाद या महात्मा गांधी। तो इसमें जो हमारे फर्स्ट प्रेसिडेंट थे, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया कौन थे, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, उनके द्वारा ये पुस्तक लिखी गई है, कौन सी, इंडिया डिवाइडेड पुस्तक। लोहे पर जंग लगने के बाद उसके भार में होती है, यानी बीच में आपको फील करना है, आफ्टर रस्टिंग ऑफ वायर इट्स वेट, मतलब उसके वेट में क्या चेंजमेंट आता है, इंक्रीजिंग होती, डिक्रीजिंग होती, कोई चेंजमेंट नहीं होता है, लेकिन होता है उसके भार में वृद्धि होती है, यानी लोहे का वजन बढ़ जाता है जब उसमें जंग लग जाती है। तो ध्यान रखना है इस चीज का, ये नहीं कि हल्का हो जाता है, जंग लग गई खत्म हो जाएगा, ऐसा कुछ नहीं, ठीक है, उसका वजन बढ़ जाता है क्योंकि उसमें नमी आ जाती है। घाना पक्षी वन्य जीव अभयारण्य किस राज्य में है, इन विच स्टेट ऑफ द घाना बर्ड वाइल्ड लाइफ सेंचुरी लोकेटेड। तो घाना पक्षी अभयारण्य कहां पे है, राजस्थान में है, ठीक है, ध्यान रखना कहां पे, राजस्थान। और जब यहां पे हम लोग बात करेंगे इसकी थोड़ा सा और स्पेशलिटी की, तो घाना पक्षी जो अभयारण्य है ये जो है कह सकते हैं एक प्रकार से वरदान माना जाता है पक्षियों के लिए, क्योंकि इसको कहा जाता है पक्षियों का स्वर्ग, पक्षियों का स्वर्ग कहा जाता है, ठीक है, हेवन ऑफ बर्ड्स के रूप में इसको जाना जाता है, तो पक्षियों का स्वर्ग कहा जाता है किस वन्य जीव अभयारण्य को, तो घाना पक्षी, घना यहाँ पे लिखा है लेकिन घाना रहेगा, ठीक है। और आपका आ गया आखिरी प्रश्न, इसका जवाब करेंगे आप लोग फटाफट कि इसका सही उत्तर क्या होगा। सोने की बीमारी, नींद का आना, नींद जो आना है उसकी बात की जा रही, का वाहक है, यदि कह रही है स्लीपिंग सिकनेस, स्लीपिंग सिकनेस की बात की जा रही है, तो इस बीमारी का जो वाहक के तौर पर जाना जाता है, जिसके द्वारा इसको फैलाया जाता है, जिसके द्वारा इसको लाया जाता है, तो क्या है भैया, वो प्रोटोजोआ है, ध्यान रखना है, ना तो वायरस है ना ही कोई बैक्टीरिया है, लेकिन है क्या, ये प्रोटोजोआ है, और वो प्रोटोजोआ कौन सा है, सी सी मक्खी है, ठीक है, सी सी मक्खी है, सी सी मक्खी है, तो इस चीज का भी ध्यान रखना है, यानी सी ऑप्शन यहाँ पे राइट आंसर। तो आपके 20 क्वेश्चन यहाँ पे कंप्लीट हो चुके हैं, इसका पीडीएफ आपको टेलीग्राम पर मिलेगा, तो टेलीग्राम पर जुड़े ताकि आपको वहां पे इसका पीडीएफ मिल जाए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक देखते रहेंगे फाइनल एग्जाम। थैंक यू।